नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता, आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लासेज में आप सभी के बीच निबंध के पांचवें पार्ट के संबंध में जानकारी देने वाली हूँ। और इस पांचवें पार्ट में आप सभी को समाधान कैसे लिखना है, चुनौतियाँ समस्याओं का निदान कैसे करना है, इसके संबंध में जानकारी दी जानी है। साथियों, पहले तो आप जानें, निबंध में अधिकतम अंक आप तभी प्राप्त करेंगे जब आप अवश्य ही सारे पार्ट का समायोजन आप अपने निबंध में करते हैं। और साथियों, ये जो पार्ट होता है अर्थात समाधान पार्ट होता है, ये बहुत मायने रखता है अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण का पार्ट होता है। और इसी आधार पर कि आपका विचार कैसे है, इन्हीं सारे कारणों से निबंध पूछा भी जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप समस्या चुनौतियों का समाधान लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो विचार होते हैं, आपकी जो सोच होती है, वो प्रकट हो ही जाती है कि आपका अप्रोच निगेटिव है या पॉजिटिव। तो साथियों, यदि आपका अप्रोच पॉजिटिव है तो अवश्य ही इस पार्ट में बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस पार्ट को आपको एक पैराग्राफ में नहीं लिखना है बल्कि दो पैराग्राफ में लिखना है। यस फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप सभी को अवगत कराई हूँ कि जितना आप चुनौतियाँ समस्या गिनाएंगे उसके जस्ट डबल आप समाधान पार्ट को फोकस करेंगे। अर्थात मेरी द्वारा पिछले क्लासेज में आप सभी को बताया गया कि आप 10 से 15 चुनौतियाँ समस्या को इंगित करेंगे, लेकिन इस पार्ट में आप कम से कम 25 से 30 समाधान पॉइंट को लिखना ही लिखना है। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, अर्थात यदि आपकी लेखन क्षमता डेवलप है तो आप कम शब्दों में वृहद विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, शब्द सीमा है इस एग्जाम में, अर्थात निबंध जो आपसे पूछा गया है उसको आप निश्चित शब्द सीमा में ही आपको लिखना है। तो निश्चित शब्द सीमा में आप यदि वर्ड को क्रॉस बहुत करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाते हैं। इस वजह से आप सभी को मेरे द्वारा साइंटिफिक वे भी बताया जाता है। फ्रेंड्स, अधिकतम अंक आप तभी प्राप्त करेंगे जब आप साइंटिफिक तरीका अपनाएंगे। तो कम शब्दों में कैसे आप अधिकतम समाधान पॉइंट को लिखेंगे ये जानते हैं। साथियों, ये ध्यान रखें, पहले मेरे द्वारा बताया गया भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाएं आप इंगित कर चुके हैं अपने तीसरे पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण समाधान पॉइंट है उसको आप कहाँ से सजोएंगे, अध्ययन सामग्री कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जाने आप। योजना कुरुक्षेत्र पत्रिका के बारे में ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा चुका है कि आप संबंधित टॉपिक को योजना पत्रिका से अध्ययन सामग्री का संचयन करेंगे और उसमें ऑलरेडी पर्याप्त समाधान पॉइंट को दिया गया रहा था। साथ में कुछ आपके भी अपने विचार होंगे, उसको भी आप अवश्य ही नोट करेंगे। और नोट कैसे बनाएं इसके संबंध में ऑलरेडी मेरे द्वारा पूर्व में क्लासेज लिए जा चुके हैं, बावजूद आगामी कुछ महत्वपूर्ण क्लासेज जो आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं उसमें फिर से नोट्स बनाने की महत्वपूर्ण कला को भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, समाधान पॉइंट को भी आप कॉमा के माध्यम से ही लिखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा विश्लेषणात्मक आयाम भी शामिल करेंगे। अर्थात 3 से 4 समाधान करने पॉइंट लिखने के साथ, जो कि कॉमा के माध्यम से लिखना, एक समाधान पॉइंट अवश्य विश्लेषित करेंगे, ठीक है। फिर आप 2 से 3 समाधान पॉइंट को लिखिए कॉमा के माध्यम से, फिर एक समाधान पॉइंट को अवश्य विश्लेषित करें, क्योंकि आपके पास 2 पैराग्राफ है और इस 2 पैराग्राफ में आप बेहतर ढंग से इस पैराग्राफ का समायोजन कर सकते हैं, इस पार्ट का समायोजन कर सकते हैं और अवश्य ही अधिकतम अंक भी आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, अवश्य ही इस रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये तभी मुमकिन है जब आप हर सप्ताह एक टॉपिक की तैयारी करें। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रत्येक दिन निबंध को 1 से 2 घंटा पढ़ें, लेकिन अनिवार्य रूप से कहूँगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करना है तो सप्ताह में 2 घंटा निबंध की तैयारी करनी होगी, ठीक है। अनिवार्य रूप से सप्ताह में 2 घंटा आपको निबंध की तैयारी करनी ही होगी। निश्चित रूप से टॉपिक कम है, बावजूद ये आपके स्किल को डेवलप करता है, आपके सोच को डेवलप करता है, अधिकतम अंग प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप हर वीकेंड पर अवश्य एक टॉपिक की तैयारी करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले आपकी रणनीति होनी चाहिए अध्ययन सामग्री को अपने नोट्स बुक में कंप्लीट करना, ठीक। योजना संबंधी टॉपिक की योजना को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगी 2 बार रिविज़न कर लीजिए, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट हो संबंधी टॉपिक का वो टोटल खुल जाए,
ठीक है। साथ ही साथ जितने प्रीवियस ईयर की संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन आए होंगे अर्थात ऐसे आए होंगे उसको एक बार जरूर देखिए। हर 2 से 3 मिनट में ये सोचिए कि संबंधित टॉपिक को कैसे लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आपका जो थिंक टैंक है वो और स्ट्रांग होगा। आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट की वजह से आप बेहतर ऐसी राइटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्रिया को जरूर अपनाइएगा। जब इन सारी क्रिया को अपनाइएगा तो अवश्य लास्ट में एक ऐसे को जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। यदि आप प्रथम सप्ताह 2 घंटे में ऐसे का सारा मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक आप प्रयास जरूर करेंगे कि एक निबंध जरूर लिखें, ताकि आप धीरे 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 करते करते आप शिखर तक अवश्य पहुँचे। फ्रेंड्स यही कला है निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने का। यदि आप निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य इस कला को अपने लेखन में उतारना ही होगा। ऑल द बेस्ट।